हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज में। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा रहने वाला है। बच्चों, स्टूडेंट, अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। उम्मीद है कि वो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। 11th क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं एरर एनालिसिस की। अब एरर एनालिसिस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं जो थोड़ा अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं और डिफरेंट एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछी जाती हैं। आज हम लोगों को उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। बच्चों, आइए देखते हैं कि किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए, स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कॉनकेव मिरर की, और कॉनकेव मिरर में आप लोगों को दिया गया है U, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन स्टूडेंट आपको दी है वो है 2 ± 0.1 मीटर। यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिया गया है V, इसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, और इमेज की पोजीशन आपको दी गई है 4 ± 0.2 मीटर। स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, और कॉनकेव मिरर के अंदर दो कंडीशंस हम लोगों को दी गई हैं। एक हमारे पास में है U, इसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड है हमारे पास में V, दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेज। हम लोगों को बताना है फाइंड द परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम बड़ी ही शानदार है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है हमारे पास में, और हमें देखना है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोगों को बताना है कि परसेंटेज एरर कितनी रहने वाली है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फोकल लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर निकालने का हमारे पास में तरीका क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको फोकल लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर चाहिए तो आपको एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100, हम लोगों को ये करना पड़ेगा। स्टूडेंट, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फोकल लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर को निकालने का तरीका है। बच्चों, अब देखते हैं कि फोकल लेंथ में परसेंटेज एरर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास में जो ऑपरेशन है स्टूडेंट, जिस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर यानी कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो ऑपरेशन हमारे पास में है स्टूडेंट ये, 1/f = 1/v + 1/u। ये कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास में है, यह है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की कंडीशन बच्चों हमारे पास में है। आइए देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर की कंडीशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों, वैसे तो एरर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे ऑपरेशंस हमारी 11th क्लास के अंदर सिखाए जाते हैं, जो कॉमन ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन एरर की कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम सही मायने में जो अच्छी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास में डिफरेंशिएशन लेवल पर ही आती हैं। बच्चों, अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने एक काम किया, इस प्रॉब्लम में हम बोथ साइड f के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू f। स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को बनाएंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू f, ठीक है, ये कंडीशन हम लोगों ने बनाई। बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू f, ठीक है। चलिए देखिए, जब हम लोग 1/f का डिफरेंशिएशन बच्चों करने वाले हैं तो ये बनेगा -1/f², ओके। और यहाँ पर मेरे पास में बचने वाला है df/df, क्योंकि मैं f के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। 1/v का डिफरेंशिएशन करेंगे -1/v², और यहाँ बनेगा dv/df, ओके। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -1/u² और यहाँ बनेगा मेरे पास में du/df।
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट कि आप डिफरेंशिएशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंशिएशन आप बनाते कैसे हैं। देखिए, 1/f का हमने डिफरेंशिएशन बनाया तो हमारे पास में बनता है माइनस के 1/f², क्योंकि f का डिफरेंशिएशन f के रेस्पेक्ट में ही हम लोग कर रहे हैं ना बच्चों। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और ये बनने वाला है हमारे पास में df/df। v का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस के 1/v² और v का डिफरेंशिएशन जब हम दोबारा से f के रेस्पेक्ट में करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि v अलग है और f हमारा अलग वेरिएबल है। हमने v का डिफरेंशिएशन f के रेस्पेक्ट में किया है बच्चों, बहुत आर डिफरेंट। सो ये कंडीशन हमारे सामने निकल कर आएगी। अब आप देखिए बच्चों, df 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 आपके पास में दोनों साइड मौजूद हैं। हमारे पास में यहाँ बचने वाला है df/f² इज इक्वल टू dv/v² प्लस du/u² ये कंडीशन हमारे सामने बनने वाली है बच्चों। अब देखिए कि हम प्रॉब्लम को बनाएंगे कैसे और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, हम लोगों को चाहिए डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? यहाँ पर एफ स्क्वायर है, हम ऐसे करते हैं, देखो डी एफ हो या डेल्टा एफ हो एक ही बात है, ये दोनों बात अलग अलग बिल्कुल नहीं है, एक ही बात है। तो मैंने एफ स्क्वायर में से एक एफ को यहाँ पहुँचा दिया है स्टूडेंट और ये बन चुका है डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज एरर स्टूडेंट चाहिए ना, तो आपको 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी होगी और 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी होगी। ये सिचुएशन मेरे सामने बनने वाली है बच्चों, ये सिचुएशन हमारे सामने बनने वाली है स्टूडेंट। अब हम लोगों को सिंपली बिल्कुल वैल्यूज़ को पुट करना है। कैसे वैल्यूज़ को पुट करेंगे मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, ये कहलाएगा आपके पास में u। ये जो 0.1 है ये कहलाएगा आपके पास में डेल्टा u। ये जो 4 है ये कहलाएगा आपके पास में v। ये जो 0.2 है ये कहलाएगा डेल्टा v। बहुत ही आसान, u की वैल्यू है 2, v की वैल्यू है 4। u की वैल्यू है 2, v की वैल्यू है 4। डेल्टा u 0.1, डेल्टा v 0.2। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 100। एफ कहाँ से निकलेगा स्टूडेंट? एफ निकलेगा बच्चों आपके पास में यहाँ से। आप एफ की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। सो 1/f इज इक्वल टू 3/4। एफ की वैल्यू हमारे पास में निकल गई है स्टूडेंट 4/3। यहाँ f की जगह आप रखेंगे 4/3। बाकी सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर आप लोग पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों मेंशन करें और बताएं कि इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे सामने क्या निकल कर आने वाला है स्टूडेंट। इजी प्रॉब्लम है, बड़े आसानी से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को बना दिया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है बच्चों। एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट हम इसके ऊपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए स्टूडेंट, R1 हमारे पास में एक सिंपल रेजिस्टेंस है R1 जिसकी वैल्यू है 1±0.1 ओम। हमारे पास में दूसरा है R2 2±0.1 ओम। अब देखो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 है ये R1 की वैल्यू है और ये जो 0.1 है ये डेल्टा R1 है। ये जो 2 है आपके पास में ये R2 की वैल्यू है और ये जो 0.1 है ये डेल्टा R2 की वैल्यू है। आपको इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करना है और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आपको ये बताना है कि जो पैरेलल का रेजिस्टेंस आएगा उसके अंदर परसेंटेज एरर कितनी होने वाली है बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको पैरेलल वाले के अंदर परसेंटेज एरर बतानी है तो तरीका बड़ा आसान है भाई। आपको परसेंटेज एरर बतानी है, सो डेल्टा आरपी अपॉन आरपी मल्टीप्लाई बाय 100। मैं
इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत मामूली सी हिंट दे रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, बाकी प्रॉब्लम को आप लोगों को खुद ब खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इस प्रॉब्लम का आंसर आप लोगों को मुझे बताना है बच्चों, ठीक है। चलिए अब प्रॉब्लम की हिंट क्या है स्टूडेंट, देखिए जब आप दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद में ये आंसर हमारे पास में निकल कर आता है बच्चों, 1/R parallel = 1/R1 + 1/R2। ओके चलिए हम लोगों को बनानी है परसेंटेज एरर, और देखिए परसेंटेज एरर बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ये कंडीशन चाहिए। और मैंने आप लोगों से क्या कहा कि डिफरेंशिएशन हमारे पास में एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है स्टूडेंट, किसी भी एरर की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व करने का, बस आप लोगों को उसके लिए डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम आरपी के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा -1/RP2, 1/R का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/RP2। दोबारा से करेंगे δRP/δRP, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस के 1/R1 square। ये क्या है, R1 और RP के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आएगा δR1/δRP, इसका करेंगे माइनस 1/R2 square। ये क्या है, R2 डेल्टा के साथ और कर रहे हैं RP के रेस्पेक्ट में। ये सिचुएशन हमारे सामने बनेगी बच्चों आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद। देखो इसका डिफरेंशिएशन आरपी के रेस्पेक्ट में ये आएगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग जब इसका दोबारा करेंगे, वैसे तो कुछ नहीं आना चाहिए, वन आना चाहिए, और देखो इसे कट करके भी वन ही हमारे पास में आएगा बच्चों। चलिए स्टूडेंट आगे सॉल्व करते हैं, δRP, 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 माइनस माइनस कैंसिल आउट, हमारे पास में बना δRP/RP = RP। आरपी स्क्वायर में से एक आरपी हमने इधर पहुंचाया, और यहाँ है δR1/R1 + δR2/R2। परसेंटेज में आंसर निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, और ये बनेगी हमारे पास में परसेंटेज एरर। अब आप देखिए बच्चों आरपी कहाँ से निकलेगा आपके पास में, आरपी यहाँ से निकलेगा बच्चों हमारे पास में। R1 की वैल्यू है 1 और R2 की वैल्यू है 2, R1 की जगह रखेंगे 1 और R2 की जगह रखेंगे 2, तो RP यहाँ से निकल जाएगा, उसे यहाँ पुट करेंगे। बाकी सभी वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन है, मल्टीप्लाई करके सिंपल सॉल्व करना है और परसेंटेज एरर स्टूडेंट आप लोगों की कैलकुलेट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप लोग परसेंटेज एरर बच्चों बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें स्टूडेंट। ओके चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों।